जनपद जालौन और जनपद हमीरपुर के बीच में प्रवाहित बेतवा नदी में कल ग्राम मोहना में एक किशोर नहाने के दौरान डूब गया। स्थानीय ग्रामीणों को सूचना मिलते ही नदी में डूबे किशोर को ढूंढने के लिए नदी में कूद गए और बच्चों को ढूंढने में लग गए। ग्रामीणों की सूचना पर डकोर थाना प्रभारी समीर कुमार और देर शाम CO विजय आनंद भी अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार पॉकलैंड मशीनों द्वारा अवैध बालू खनन करके नदी की गहराई प्रभावित किया गया। बच्चा पॉकलैंड द्वारा किए गए गड्ढों में चला गया। बताते चले, मोहना से गुजरने वाली बेतवा नदी में दोपहर दो सगे भाई नहा रहे थे तो अचानक 15 वर्षीय बड़ा भाई अभिषेक पुत्र ब्रजपाल राजपूत गहरे गड्ढे में चला गया। लोग दौड़े और नदी में डूबे बालक को खोजने लगे। कुछ ग्रामीणों ने स्थानीय थाना को सूचना दी। मौजूदा स्थिति तक प्रशासन डूबे हुए बालक को ढूंढने में लगा रहा। छोटे भाई और ग्रामीणों ने बताया कि जब वो नहा रहे थे तो पॉकलैंड मशीनें भी थीं, पर घटना के बाद मशीनें लेकर लोग भाग गए। पॉकलैंड मशीनों का अचानक से भाग जाना कुछ दिनों पहले की गई शिकायतों से भी प्रशासन का नाचेतना भी संदेहात्मक लगता है। देर शाम तक गोताखोरों की सहायता से सब बरामद हुआ है। सुनिए मृतक के छोटे भाई ने क्या कुछ कहा। अखिलेश समाधिया की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? दीपन। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? अभिषेक। क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ? नदी में सफर रहे थे तो मशीन वालों ने बॉकट मारा तो अभिषेक के लहर पड़ी तो वो नदी में वो गहरा पड़ा तो वो डूब गया तो बॉकट वाले ने मशीन पे चढ़े और भाग गए। मशीन लेकर चले गए यहाँ से? हाँ। कितना टाइम हो गया ये सब? एक दो घंटा हो गया होगा।